आखिर क्यों दुनिया में कोई भी देश दुबई की तरह डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा? क्यों दुनिया के सबसे ऊंचे और सुंदर स्काईस्क्रैपर्स दुबई के अलावा और किसी भी देश में नहीं बन पाते? आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट दुबई हमसे छुपा रहा है? अगर भारत दुबई के सारे सीक्रेट जान गया तो क्या भारत दुबई की तरह डेवलपमेंट कर पाएगा, या फिर ऐसे ही पॉलिटिक्स में उलझ कर पीछे रह जाएगा? कुछ सालों पहले दुबई के पास भारत ही क्या दुनिया के किसी भी गरीब देश जितना पैसा नहीं था, लेकिन आज अगर आप दुबई जाकर वहाँ की लग्जरियस लाइफस्टाइल और आर्किटेक्चर्स देखेंगे तो आपको भी लगेगा हमारा देश ऐसा क्यों नहीं बन सकता। आज हम दुबई के इन्हीं कुछ सीक्रेट्स के बारे में जानने वाले हैं। दुबई को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ये कि दुबई ऑयल से कमाए पैसों से इतना डेवलप हो पाया है। साथ ही उन्हें ये भी लगता है कि अरब और फॉरेन इन्वेस्टर्स का दुबई के सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन असल में ये भी झूठ है। हाँ, ये जरूर सच है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने दुबई की ग्रोथ में काफी बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन दुबई के सक्सेस के पीछे ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स अदर कंट्रीज में भी हो सकती है, लेकिन अदर कंट्रीज दुबई की तरह आर्किटेक्चर्स नहीं बना सकी। वो क्यों, चलिए जानते हैं। दुबई का नाम सुनते ही ऊंचे स्काईस्क्रैपर्स के साथ ऑयल भी हमारे दिमाग में आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में सबसे कम ऑयल दुबई के पास है एज कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ऊंचे स्काईस्क्रैपर्स बनाना तो चाहता है, लेकिन सऊदी जेदा टॉवर को अभी तक कम्प्लीट नहीं कर पाया है। यानी जिसके पास दुबई से ज्यादा ऑयल है वो भी बुर्ज खलीफा जैसे मेगा स्ट्रक्चर्स नहीं बना पा रहा। दुबई कुछ ऐसे सीक्रेट्स को फॉलो कर रहा है जो दूसरे देशों को पता नहीं। दरअसल दुबई एबीएस मॉडल को फॉलो करता है। अब ये एबीएस मॉडल क्या है ये जानने से पहले क्यों इंडिया दुबई की तरह स्काईस्क्रैपर्स नहीं बना पा रहा ये जानते हैं। कुछ सालों से इंडिया भी स्काईस्क्रैपर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मुंबई का वन वर्ल्ड स्काईस्क्रैपर शामिल है। हालांकि इसकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा से आधी भी नहीं है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया को इससे ऊंची बिल्डिंग बनाने से रोक रहे हैं, जिसमें पहला फैक्टर है एनर्जी कंजम्पशन। जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, और भारत के पास जरूरत से भी कम इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। नेक्स्ट है अफोर्डेबिलिटी। इंडिया में डेवलपर्स को स्काईस्क्रैपर्स बनाने के लिए इतना ज्यादा पैसा नहीं मिल पाता, लेकिन सिर्फ यही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। स्काईस्क्रैपर्स क्राउडेड एरिया में बनाए जाते हैं, जैसे कि मुंबई, लेकिन मुंबई में क्राउड भी हद से ज्यादा है, और गवर्नमेंट क्राउडेड एरिया में डेवलपर्स को लिमिटेड स्पेस देता है, जिसके चलते ये लोग स्काईस्क्रैपर नहीं बना पाते। इसके अलावा भारत के लोग ज्यादातर जमीन पर रहना पसंद करते हैं, तो स्काईस्क्रैपर बनाकर भी डेवलपर्स को फायदा नहीं होगा। लेकिन क्या इंडिया दुबई के एबीएस मॉडल को फॉलो करके स्काईस्क्रैपर्स बना पाएगा? एबीएस मॉडल की बात करें तो ए यानी अट्रैक्शन, बी यानी ब्रांडिंग और यस यानी स्टेट लीड डेवलपमेंट। लेकिन दुबई के ग्रोथ की वजह सिर्फ एबीएस मॉडल नहीं है। भारत अगर ये मॉडल फॉलो कर ले फिर भी भारत स्काईस्क्रैपर्स नहीं बना पाएगा। जब तक भारत लैंड शॉर्टेज प्रॉब्लम, पॉवर्टी, पॉपुलेशन जैसे प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पाएगा, तब तक तो इतने ऊंचे स्काईस्क्रैपर्स बनाना मुश्किल है। इन सारी बातों में हम दुबई के शेख को तो भूल गए। इंडिया में डेवलपर्स को कोई फंडिंग नहीं कर पाता, लेकिन दुबई में प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए खुद दुबई के शेख फंडिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यूएई का ऑयल एक न एक दिन खत्म होगा। इस वजह से वो दुबई को टूरिस्ट पॉइंट बनाने के लिए आर्किटेक्चर्स बना रहे हैं, ताकि फ्यूचर में उनका देश बैंकरप्ट ना हो। भारत में हर चीज के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन दुबई के शेख को किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, जिसकी वजह से वो जो चाहे वो प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो इस वजह से भारत के लोग दुबई जैसे ऊंचे स्काईस्क्रैपर्स हमारे देश में नहीं देख सकेंगे।